पूर्वोत्तर के तीन राज्यों में शनिवार को आए चुनावी नतीजों ने देश के सियासी नक्शे को बदल दिया। त्रिपुरा में 25 साल से लगातार सरकार चला रहे लेफ्ट के किले को बीजेपी ने ढा दिया। उसने यहां 35 साल में अपनी सबसे ज्यादा सीटें जीती हैं। ऐसा पहली बार हुआ है जब बीजेपी ने लेफ्ट की पकड़ वाले राज्य में उसे सत्ता से बाहर कर दिया। नागालैंड में भी सरकार बनाने के समीकरण बीजेपी के पक्ष में नजर आ रहे हैं। मेघालय में असमंजस है, लेकिन बीजेपी को वहां भी सरकार बनाने का भरोसा है। अब देश के 19 राज्यों में बीजेपी या उसके गठबंधन की सरकार है। यहां कुछ जातिगत आंकड़े भी सामने आए हैं। 25 लाख से ज्यादा वोटर हैं। जातिगत समीकरण के लिहाज से 70% वोटर बंगाली हैं और अन्य 30% वोटर आदिवासी हैं। बीजेपी ने क्षेत्रीय दल इंडिजिनस पीपुल्स फ्रंट ऑफ त्रिपुरा के साथ गठबंधन किया था। IPFT काफी वक्त से अलग आदिवासी बहुल त्रिपुरा लैंड राज्य बनाने की मांग करती आ रही है। बीजेपी ने 60 में से 51 सीटों पर और IPFT ने 9 सीटों पर चुनाव लड़ा। बीजेपी और RSS ने पिछले 4 साल से इन्हीं आदिवासियों के बीच काम किया है। त्रिपुरा में बंगाली हिंदू आबादी में करीब 70% नाथ योग संप्रदाय के वोटर हैं। अगरतला में नाथ मंदिर भी है। इन्हें लुभाने के लिए यूपी के CM योगी ने रोड शो और जनसभाएं भी की थी।